चलते रहना ही सफलता की ओर आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है, क्योंकि जिंदगी में रुकना अच्छा नहीं माना गया है। कुछ इसी तरह के सिद्धांत पर चलता है वास्तुशास्त्र। वास्तु के मुताबिक कोई भी वस्तु ज्यादा दिनों तक एक जगह पर नहीं टिकी रहनी चाहिए। घर में रखी वस्तुओं को समय समय पर दाएं बाएं आगे पीछे हटाते रहना चाहिए, क्योंकि घर में एक ही जगह लंबे समय तक रखी हुई वस्तुएं वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं रहती। जानिए ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें हमें एक अंतराल के बाद बदलाव करते रहना चाहिए। घर में सबसे स्थायी चीज वस्तु पलंग होता है। घर में एक जगह बिछाया गया पलंग या बेड या तख्त महीनों एक जगह पड़ा रहता है। इससे पति पत्नी के बीच झगड़े बने रहते हैं, परिवार में वाद विवाद बना रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि जिस स्थान पर बेड, पलंग, तख्त आदि पड़ा होता है उसके नीचे सफाई नहीं हो पाती है। उसके नीचे गंदगी होने से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, धीरे धीरे इसका विकास होता है और उस कमरे में रहने वाले के अंदर नकारात्मक ऊर्जा फैलने लगती है, जिससे आपस में वाद विवाद शुरू हो जाता है। बेड के अंदर रखा अधिक सामान भी स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। बेड के अंदर लोहे का या स्टील का सामान बिल्कुल न रखें। इससे कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम और नींद न आने जैसी समस्याएं धीरे धीरे जड़ पकड़ लेती है। घर में दूसरी सबसे भारी वस्तु होती है सेफ या अलमारी। अलमारी में कपड़े के साथ घर की अन्य चीजें भी रखी जाती हैं। किसी एक विशेष अलमारी में सोनी चांदी के गहने, जमीन या मकान आदि के कागजात और कुछ रुपए पैसे रखे जाते हैं। कई बार अलमारी का मूवमेंट नहीं होता, इससे घर का पैसा अनावश्यक खर्चे में व्यय हो जाता है। लक्ष्मी चंचला है, उन्हें भी थोड़ी गति दी जानी चाहिए। अलमारी को महीने दो महीने में हिलाना चाहिए, इसे एक दो इंच या फिर इधर उधर खिसकाना चाहिए। इससे धन का मूवमेंट भी बना रहेगा, मन में प्रसन्नता रहेगी। घर में रखा फ्रिज, अनाज की टंकी और सोफे भी एक समय के बाद नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने लगते हैं। कभी कभी सोफे इतने वजनी होते हैं या फिर जगह ना होने के कारण खिसकाए नहीं जा सकते हैं। ऐसे में स्वच्छता की उचित व्यवस्था रखें और संभव हो तो उसके अंदर प्रकाश की उचित व्यवस्था करें। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।